सलाम जी, मैं हूं हबीब लोधी, copy.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको शामिल कहता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं इंक्स के बारे में, जो कि इंकजेट प्रिंटर में यूज होती है। बबल जेट प्रिंटर और ऑफिस जेट प्रिंटर ये सेम ही कैटेगरी के प्रिंटर्स हैं। इनमें इंकजेट जो यूज होती है उसके बारे में बताएंगे। इसमें ब्रांड्स आते हैं मुख्तलिफ, जैसे एप्सन है, HP है, कैनन है, इन सब ब्रांड्स के ये प्रिंटर आते हैं। एप्सन के प्रिंटर ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केट के अंदर, और उसमें जो इंक्स यूज़ होती हैं उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इंक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे डाई इंक है, पिगमेंट इंक है और सप्लीमेशन इंक है, कहाँ यूज़ होती हैं और किस तरह यूज़ होती हैं और इनकी लाइफ वगैरह के बारे में। तो देखते रहिए copy.pk। सबसे पहले आते हैं इनके कंपैरिजन पे डाई इंक और पिगमेंट इंक के बारे में। मैं आपको इनके केमिकल नेचर के बारे में बताता हूँ, कीमियाई नोयल जो होती है उसके बारे में बताता हूँ कि डाई इंक जो है वो बेसिकली वाटर बेस्ड इंक है और जो पिगमेंट इंक है वो ऑयल बेस्ड इंक है, जिससे हम रोगन भी कह सकते हैं, ऑयल भी कह सकते हैं। जब आप डाई इंक से प्रिंट करते हैं तो वो पानी के अंदर घुल जाता है ना, कोई भी प्रिंट करते हैं आप तो वो आप देखेंगे जो उस पर पानी लगता है तो वो प्रिंट फेड हो जाता है, वहाँ से प्रिंट जो है ना वो घुलना शुरू हो जाता है। डाई इंक से जब आप प्रिंट करते हैं तो जब आप प्रिंट को देखते हैं तो आपको बहुत ही उसके पिक्सल जो है ना वो इतने ज़्यादा, प्रिंट पेपर में जब आप प्रिंट करते हैं डाई इंक से तो आपको थोड़ा सा धुंधलापन सा नजर आएगा उसके प्रिंट में, जबकि आप वही प्रिंट पिगमेंट इंक से करेंगे तो आपको थोड़ी अच्छा प्रिंट नजर आएगा, धुंधला नजर नहीं आएगा, मतलब उसकी शार्पनेस उससे बेहतर होगी। शार्पनेस पे आते हैं तो डाई इंक की जो शार्पनेस है वो इतनी अच्छी नहीं होती है प्रिंट पेपर पर, जबकि पिगमेंट इंक की शार्पनेस जो है वो कदरे बेहतर होती है डाई इंक की। कलर एबियंसी की तरफ आते हैं, इसमें जो है वो आप जब आप प्रिंट को देखते हैं तो बेसिकली जो डाई इंक के पिक्सल हैं वो थोड़े मोटे होते हैं साइज में, मतलब पिक्सल का जो डॉट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जबकि पिगमेंट इंक का बारीक होता है। हम इसकी कॉस्ट पर आते हैं, कॉस्ट जो है वो डाई इंक की डेफिनेटली बहुत सस्ती है और पिगमेंट इंक की निस्बत पिगमेंट इंक उससे महंगी है, पिगमेंट इंक की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। अब आते हैं हम इसकी शेल्फ टाइप की तरफ, शेल्फ टाइप जो है वो इंक की जो डाई इंक की लाइफ है वो 2 से 3 साल है, जबकि पिगमेंट इंक की लाइफ सिर्फ 2 ईयर्स। डाई इंक जो है हमें मोस्टली हम पेपर पर, फोटो पेपर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी प्रिंट क्वालिटी भी डाई इंक की अच्छी है फोटो पेपर पर खासतौर पर। जो कमर्शियल बेस्ड लोग हैं, कमर्शियल्स में जो लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं, फोटोग्राफर्स वगैरह इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये ज़्यादातर फोटोग्राफर्स जो प्रिंटर एप्सन का यूज़ करते हैं उस तरह डाई इंक ही यूज़ होती है। पिगमेंट इंक जो है वो टेक्सटाइल में भी यूज़ होती है, आपके कपड़े वगैरह पर प्रिंट करने के लिए, किसी भी ऐसा प्रिंट मीडिया जो कि ग्लॉसी है उस पर यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। एप्सन के जितने भी प्रिंटर आप परचेज करते हैं उनके साथ जो ओरिजिनल इंक्स आती हैं वो डाई इंक्स होती हैं, और डाई इंक जो ओरिजिनल आप यूज़ करते हैं वारंटी भी आपकी तभी क्लेम होती है जब आप डाई इंक यूज़ करते हैं और कंपनी की ही ओरिजिनल इंक यूज़ करेंगे तो आपकी वारंटी क्लेम हो सकेगी इजीली। अदरवाइज अगर आप दूसरी इंक्स यूज़ करते हैं जैसे पिगमेंट इंक उसमें डाल देते हैं या सप्लीमेशन इंक यूज़ करते हैं तो वो वारंटी से आउट हो जाएगी। आखिर में मैं आपको सप्लीमेशन इंक के बारे में बताता हूँ। सप्लीमेशन इंक बेसिकली वो ज़्यादातर आपके जिस मीडिया पे यूज़ होती है वो होता है आपका, जैसे आप कप्स प्रिंट करते हैं, शर्ट वगैरह प्रिंट करते हैं या कैप्स वगैरह या कोई ट्रॉफी वगैरह जिस पर प्रिंट किया जाता है, ये उसके लिए यूज़ होती है। सप्लीमेशन इंक बेसिकली हीट प्रोसेस के ज़रिए आप उसको एक मिरर लगाकर किसी भी प्रिंट को, आप उसको मिरर लगाते हैं उसको किसी भी चीज़ पर चिपकाते हैं और चिपकाने के बाद उसको हीट प्रोसेस से गुजार कर उसके ऊपर प्रिंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अदरवाइज आप वैसे डिफरेंट प्रिंट लेना चाहें, फोटो प्रिंट लेना चाहें तो वो इसके क्वालिटी वाइज प्रिंट अच्छे नहीं आते। इसके अलावा इसमें से कोई भी इंक्स आप परचेस करना चाहते हैं, डाई इंक होगी, पिगमेंट इंक होगी, सप्लीमेशन, तमाम इंक्स हमारे स्टोर पर मौजूद हैं, आप वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। copy.pk से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।